हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बार फिर से कॉमनली मिस प्रोनाउंस वर्ड्स की। इससे पहले मैं मिस प्रोनाउंस पे 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँगी, आप उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम नॉर्मली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, जिनका सही प्रोनंसिएशन क्या होता है हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम उनकी स्पेलिंग्स पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला वर्ड है आस्क्ड। अब जनरली हम इसे ASK आस्क कहते हैं, उसे आस्क ही कहा जाता है। लेकिन जब इसकी सेकंड फॉर्म आस्क में सेकंड फॉर्म आ जाती है, यानी कि ED लग जाता है, तो हम इसे आस्क्ड बोलते हैं, क्योंकि हम इसकी स्पेलिंग्स पे जाते हैं, जो सुनने में भी उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका सही प्रोनंसिएशन है आस्क्ड। क्या है? आस्क्ड है। यहाँ पे ए पे हमको स्ट्रेस देना है, आस्क्ड। ओके, जो डी है वो टी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिवेलप। अब जनरली हम लोग इसे बोलते हैं डेवलप या डिवेलप। ओके, लेकिन इसे सही प्रोनाउंस करना है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डी वे लो। क्या है? डिवेलप। ओके, इसमें 3 सिलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? डिवेलप। ओके, डिवेलप। नेक्स्ट है डेंगी। अब ये डेंगी है, आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि मैंने देखा है सारे लोग इसे डेंगू बोलते हैं। कोई डेंगू बोलता है या कोई डेंगू बोलता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। क्या है? डेंगी। ओके, इसे डेंगू या डेंगू नहीं कहते हैं, इसे डेंगी कहते हैं। ये वो है डिजीज़ जो मच्छर के काटने से हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सब लोग बोलते हैं, आप इसे क्या पढ़ते हैं? कैरियर। हाँ, इसे कहते हैं करियर। क्या कहते हैं? करियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं KUH, करियर, करियर, नॉट कैरियर, इट्स करियर। ओके, ग्रेट। अगला देखते हैं। अगला है SAY। क्या होता है? से होता है, पर जब इसमें S लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? सेज। नो, इसे कहते हैं सेज। क्या कहते हैं? सेज, सेज। ओके, नॉट सेज, इट्स सेज। ओके, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सैंडविच। हर कोई खाता है, तो हर किसी को पसंद भी होती है सैंडविच, लेकिन लोग इसे मिस प्रोनाउंस करते हैं बहुत ज़्यादा। लोग बोलते हैं हमें सैंडविच खानी है। एक्चुअल में यहाँ पे जो डी है वो साइलेंट होता है। ओके, तो ये होता है सैंडविच, सैंडविच। ओके, इट्स नॉट सैंडविच, इट्स सैंडविच। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ होता है रुमाल, जिसे हैंकी कहा जाता है, लेकिन इसे हैंकरचीफ कहते हैं। लेकिन जब आप इसकी स्पेलिंग्स देखेंगे तो हर कोई इसे हैंडकरचीफ कहता है। यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे डी साइलेंट होता है, ये हैंडकरचीफ नहीं होता, हैंकरचीफ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सिलेबल से देखिए, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ। डी क्या है? साइलेंट है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस वर्ड को। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं जनरली? हम लाइब्रेरी जा रहे हैं या हमें लाइब्रेरी जाना है, तो इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? इसे प्रोनाउंस करेंगे लाइब्ररी, लाइब्रेरी, नॉट लाइब्रेरी, इट्स लाइब्रेरी। एक साथ बोलिए लाइब्रेरी। ओके, गुड। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन बोलते हैं। मैंने बहुतों को सुना है इसे भी इंट्रोडक्शन बोला जाता है, लेकिन इसका सही प्रोनंसिएशन क्या है? इसका सही प्रोनंसिएशन है इन
ट्रडक्शन, इंट्रोडक्शन, नॉट इंट्रोडक्शन. ओके, एक साथ बोलिए इंट्रोडक्शन. गुड. अगला है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिशियन. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिशियन को बुला दीजिए, हमारे घर पे लाइट ख़राब हो गई है, उसे सही कराना है. तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिशियन. नो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एम्बिशियस. क्या है? एम्बिशियस. क्या बोलते हैं? एम्बिशियस. यस, हमारे बहुत सारे लोग और हम लोग इसे एम्बिशियस बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनंसिएशन है एम्बिशियस, एम्बिशियस. यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम्बिशियस. ओके, नॉट एम्बिशियस. नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेमोग्राफी. ये होती है जनसांख्यिकी जिसे कहते हैं डेमोग्राफी, तो इसे लोग कहते हैं डेमोग्राफी, लेकिन इसका भी सही प्रोनंसिएशन है डेमोग्राफी. क्या है? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी. एक साथ बोलिए डेमोग्राफी, नॉट डेमोग्राफी. ओके, तो ये क्या है? डेमोग्राफी. तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह इसे लाइक कर दीजिए प्लीज़, और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है वीडियोस को लेकर, आपको कोई वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी. तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़, मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. तो फ्रेंड्स, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो पे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग.